ये कोई धर्मशाला नहीं है जो तुम मुंह उठा के चले आते हो। ये मेहनत से खड़ा किया हुआ मेरा बिजनेस है। फिर भी तुमको पैसे चाहिए, तुम लोन ले लो। मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। That's a rejection. It's a no. Get out of my office. Idiot. मैडम, ये अपनी कंपनी में से नहीं आए। तुम बोलो। सर, इस कंपनी का मकसद है कि मिडिल क्लास वाले भी हॉलिडे का पूरा लाभ उठा सके। आप इस कंपनी को महंगे में तो खरीद लोगे, पर लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। सो मैडम कहना चाहती है इस कंपनी को। सो नो कहने की हिम्मत है ही नहीं इस जनरेशन में। सुना दास, ये हमसे पंगा लेकर मार्केट में बिजनेस करेंगे। कोई बात नहीं, वहीं कुचल देंगे। ये तो घनी चेतावनी है। दर्शन जी, मुझे गोल गोल घुमा फिरा के बात करना आता नहीं है। मेरी पर्सनालिटी को भी वो मैच नहीं करती। फिर भी मैं अपनी बात आपको समझाना चाहूँगा। इस दुनिया में जन्म देने की शक्ति सिर्फ दो ही लोगों में है, एक प्रकृति को और दूसरी औरत को। और आप उसी औरत को दबाना चाहते हो। जस्ट सरेंडर कर दो। अमूल्या, व्हाट्स हैपनिंग? अगर अभी मेरी बात समझनी तो मेरे पास तीन ऑप्शन और हैं। पहली, तुम्हारे आदमियों को मार के तुम्हें कंट्रोल करूंगा। दूसरी, तुझे ही मार के तुझे कंट्रोल करूंगा। और तीसरी, मैं तुम्हें मारूंगा सोच के तुम्हें खुद ही कंट्रोल होना पड़ेगा। इन तीनों ऑप्शन में मैं कंट्रोल करूंगा एक कॉमन नहीं है, मैं मारूंगा एक कॉमन है। अच्छा हो या बुरा हो, जब आपने हमें ऑफर किया उस समय हमसे होगा या नहीं होगा बोलने पर ही आपके बात का मान है। नहीं होगा। फिर भी मैं भूल सकता हूं, लेकिन अगर कभी कोई एक औरत आपके बात को इनकार करती हो तो इसका मतलब है कि कभी नहीं होगा। मैडम, इतना सब कहने के बाद यहाँ रुकना कोई मतलब है? मुझे इसी एनर्जी के साथ निकलने का मन कर रहा है। चलिए चलिए, चलते हैं। सुदर्शन जी, माय फाइनेंसर। कौन ये ग्रे कोट वाला? पंटू। मैडम, रिस्पेक्ट। अगर एक ही ऑफिस में चार लोग एक ही कार से जाएंगे तो डीजल कम खर्च होगा। उसी तरह से चार लोगों के परिवार में सिर्फ एक आदमी घूमने जाए तो उनके खर्चे भी कम होंगे, ये मेरा सोच है। कई आइडियो है, यही सोचकर मैंने 5 करोड़ इन्वेस्ट किए। कितो बड़ो दिल है। 2 सालों में 50 करोड़ का टर्नओवर किया। कई दिमाग है। मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा, अपनी कंपनी मुझे दे दो। कितो घनो पाइयो है। What's your answer? Say no.